हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छा है। आज फिर से लेके आए हैं कुछ रेसिपी। आज की रेसिपी एकदम इजी तरीका से भिंडी फ्राई, तो देखते रहिए हम लोग का। रहिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी को। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इधर मैं ढेर सारा भिंडी लिया हुआ है, एकदम फ्रेश भिंडी। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से पानी में अभी वॉश करना है, क्योंकि कटिंग करने के बाद नहीं, इसको भिंडी को कटिंग करने के पहले ही अच्छे से वॉश कर लें। तो फिर मैं अभी वॉश कर लिया, अभी ऐसा करके छोटा छोटा पीस करके कटिंग करना है, देख सकते हैं ऐसा करके। तो फिर मैं पूरा सारा का सारा कट कर लिया, जो वेस्टेज है वो अलग कर दिया। तो फ्रेंड्स इसके लिए चाहिए कुछ मसाला, जैसे गार्लिक चॉप, ग्रीन चिली चॉप, ऑनियन और रेड चिली। तो फ्रेंड्स अभी एक गैस के ऊपर में कढ़ाई, नहीं तो एक पैन बैठना है, इसके अंदर ऑयल ढलना है। अरे ऐसा वाला एक पलटा चाहिए, पतला वाला। तो मैं पहले सूखा चिली को दे दूंगा ऑयल के ऊपर, और गार्लिक चॉप को भी दे दूंगा, थोड़ा सा भूनूंगा, उसके बाद ग्रीन चिली डालूंगा। तो बस अभी गैस को करना है स्लो, उसके बाद थोड़ा मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, याद रखिए इसको गैस को स्लो करने के बाद ही करना है, नहीं तो जल जाएगा। अभी जो भिंडी रखा हुआ था कट करके वो सब एक साथ डाल देना है। तो बस अभी ऐसा करके फ्राई करते जाना है। थोड़ा टाइम बाद, मतलब थोड़ा सा एक दो मिनट बाद थोड़ा सॉल्ट दे दूंगा इसके ऊपर से। बाद में 7 मिनट के लिए, 7-8 मिनट के लिए मैं ये ढक दूंगा एकदम गैस एकदम स्लो करके। तो मैं देख सकता 6-7 मिनट के बाद ऐसा देखने में ऐसा ग्रीन है, बट अंदर से पक चुका है वो। अभी क्या करेंगे, अभी ऐसा ओपन ही उसको क्रिस्पी टाइप करेंगे, इसलिए ढककर नहीं दूंगा अभी। अब ऐसे फ्राई करते रहूँगा उसके ऊपर से ऑनियन, मतलब हाफ फ्राई होने के बाद। देख सकते हैं ऐसे मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है? आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स कुछ टाइम बाद देख सकते हैं, मतलब उसका भी और भी 5-10 मिनट बाद देख सकते हैं, फ्राई करते करते ऐसे हो जाएगा, पूरा हमारा पूरा तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स अभी उठाऊंगा एक प्लेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा पूरा एकदम भिंडी फ्राई आज का रेडी है। तो फ्रेंड्स आज का रेसिपी इतना ही था, फिर से लेकर आऊँगा नया कुछ रेसिपी, तब तक हम लोग का साथ रहिए। धन्यवाद, हमारा चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए।